अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश स्टेप बाय स्टेप बेसिक से, और आज हमारा लेसन नंबर है 42। हम सीख रहे हैं स्कूल के बारे में, तो चलें अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज क्या लेसन है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। हाई स्कूल, हाई स्कूल को क्या बोलते हैं उर्दू में? एक स्कूल। तो स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? हा को क्या बोलेंगे? स्कूल को एस्कुएला। होना एस्कुएला। आगे बढ़ते। Este examen es fácil। स्पेनिश में लिखा है Este examen es fácil। उर्दू में मतलब होगा ये इम्तिहान आसान है। Este examen es fácil। उर्दू में क्या मतलब होगा? ये इम्तिहान आसान है। तो इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाएगा इसको? This exam is easy। ये इम्तिहान आसान है। आगे बढ़ते हैं। Translate this sentence, इस जुमले का तर्जुमा करें। I need a pen। इसको किस तरह से उर्दू में मतलब होगा? मुझे एक पेन की ज़रूरत है। इसको स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे इस जुमले को? मुझे एक पेन की ज़रूरत है। आई नीड को किस तरह बोला जाएगा? यो, नेसेसिटो। हाँ को किस तरह से बोलेंगे? उन। पेन को क्या बोलेंगे? बोलीग्राफो। यो नेसेसिटो उन बोलीग्राफो। मुझे एक पेन की जरूरत है। आगे बढ़ते। उन लिब्रो दे स्पेन्योल। पहले इसको हम तरतीब से लिखेंगे। Un libro de español। इसका मतलब उर्दू में होगा एक स्पेनिश की बुक, किताब। और इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? हाँ स्पेनिश बुक। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। इंग्लिश में लिखा है वेयर इज माई बुक। इसको उर्दू में मतलब होगा इसका मेरी किताब कहाँ है। वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। इसको स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? वेयर को क्या बोलेंगे? दोंदे। इसको क्या बोलेंगे? एस्टा। मी को? मी। माई को मी, बुक को? लिब्रो। दोंदे एस्टा मी लिब्रो, मेरी किताब कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। Un examen de español। पहले इसको हम तरतीब से लिखते हैं। Un examen de español। Un examen de español। एक स्पेनिश का इम्तिहान, ठीक है। इस तरह से उर्दू में बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ स्पेनिश एग्ज़ाम। Where is my pen? इसका किस तरह से उर्दू में तर्जुमा होगा? मेरा पेन कहाँ है। Where is my pen? मेरा पेन कहाँ है। इसको स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? Where को क्या बोलेंगे? Donde? इसको? Está। My को? Mi। Pen को? Bolígrafo। Donde está mi bolígrafo? मेरा पेन कहाँ है या मेरा कलम कहाँ है। आगे बढ़ते। Mi maestro de español। पहले इसको हम तरतीब से लिखते हैं। Mi maestro de español। Mi maestro de español। इसका मतलब उर्दू में होगा मेरे स्पेनिश के उस्ताद। इंग्लिश में किस तरह से होगा? My Spanish teacher। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, इस जुमले का तर्जुमा करें। दिस एग्ज़ाम इज़ ईजी, उर्दू में मतलब होगा ये इम्तिहान आसान है।
तो इसको स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे हम, दिस को क्या बोलेंगे? Este. एग्जाम को एग्जामिन, इसको एस, इजी को फासिल। Este examen es fácil. ये इम्तिहान आसान है। En la escuela. In la escuela. इसका मतलब होता है स्कूल के अंदर या स्कूल में, ठीक है? उर्दू में इस तरह बोला जाएगा और इंग्लिश में इसका किस तरह से तर्जुमा होगा? In the school. स्कूल में या स्कूल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आ स्पेनिश क्लास, माई स्पेनिश क्लास, मेरी स्पेनिश की क्लास, उर्दू में इस तरह बोलेंगे और इसको स्पेनिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? मी क्लासे दे स्पेन्योल। मी क्लासे दे स्पेन्योल, स्पेनिश में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है? मेरी स्पेनिश की क्लास, माय स्पेनिश क्लास। आगे बढ़ते हैं। इन ला स्कूला, पहले इसको तरतीब से लिखते हैं। इन ला स्कूला, इन ला स्कूला, अभी हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है स्कूल में या स्कूल के अंदर, और इंग्लिश में कैसे होगा? इन द स्कूल। आगे बढ़ते हैं। My Spanish teacher, इसका मतलब उर्दू में होगा मेरे स्पेनिश के उस्ताद, और इसको हम स्पेनिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? Mi maestro de español. Mi maestro de español, ठीक है? स्पेनिश में इस तरह लिखा जाएगा ये, Mi maestro de español, मेरे स्पेनिश के उस्ताद। एन ईजी क्लास, एक आसान क्लास, उर्दू में इस तरह से होगा और स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा इस जुमले को? उना क्लासे फासिल, उना क्लासे फासिल, एक आसान क्लास। आगे बढ़ते हैं। एन इंग्लिश क्लास, उर्दू में मतलब होगा एक इंग्लिश की क्लास, तो इसको हम स्पेनिश में किस तरह से लिखेंगे? Una clase de inglés. Una clase de inglés, स्पेनिश में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है? एक इंग्लिश की क्लास। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, इसको लिखना हमें स्पेनिश में, तो चले लिखते हैं। दोंदे इस्ता मी बोलीग्राफो, मेरा पेन कहाँ है? तो दोस्तों ये तो था लेसन नंबर 42। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।